हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवदीप साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक खास एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसके माध्यम से कोई भी कहीं भी किसी भी स्थान पर आराम से बैठे हुए अंग्रेजी सीख सकता है। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, या अगर आप कार में बैठे हैं, या पार्क में बैठे हैं, या फ्री टाइम अगर आप घर पे बैठे हैं, तो अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, लर्न इंग्लिश विथ हिंदी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कहीं पर भी आराम से अंग्रेजी सीख सकता है। इसमें सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, और गरीब लोग जो एप्पल यूज़ करते हैं उनके लिए भी है। मैं एप्पल वालों को गरीब इसलिए बोलूँगा क्योंकि मोबाइल तो महंगा होता है, बट उनके अगर आप स्टोर में जाके देखिए तो अच्छे एप्लीकेशंस की अकाल पड़ी हुई है। आपको बहुत ही कम एप्लीकेशंस उनके प्ले स्टोर में मिलेगा। तो एप्पल वालों के लिए भी मैंने ये एप्लीकेशंस बनाया हुआ है, और बहुत बढ़िया और शानदार है, फ्री एप्लीकेशन है। तो मैं चाहूँगा कि उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, लर्न इंग्लिश विथ हिंदी। डिस्क्रिप्शंस में आप जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। एंड्रॉयड वालों के लिए अलग से है और आईफोन यूजर्स के लिए अलग है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन लिंक को क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, बहुत सारा चीज उस एप्लीकेशन में हम कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लर्न इंग्लिश, और ये वेलकम वगैरह कुछ आएगा, आप स्कीप कर दीजिए इसको। तो देखिए, आपका UI इंटरफेस खुल चुका है। ग्रामर आपको मिल रहा है, टेंस है, टिप्स है, कन्वर्सेशन, राइटिंग, वोकेबलरी, पर्सनालिटी, वर्ड लिस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, न्यू लेसन, पैराजंबल। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। अगर आप जैसे कि आप चलिए, तो अगर आपको मान लो टेंस पढ़ना है तो हम कैसे पढ़े, तो हम टेंस में क्लिक करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पहले प्यार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लिक किए, लर्न को क्लिक किए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा आपका जो है टेक्स्ट में आपको समझाया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारा कुछ आपका दिया हुआ है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब अगर आप चाहे तो इसका वीडियो भी देख सकते हैं, तो वीडियो पे आप क्लिक कीजिए। वीडियो पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और इसको भी चाहे तो आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक, तो वीडियो आपने देखा, इसके बाद वापस आ गए। वापस आने के बाद आप देखिए, नीचे प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। जैसे कि मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आप एक इमेजिन करेंगे एक सेंटेंस, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा। मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। आप कहाँ काम करते हैं, तो वेयर डू यू वर्क, तो आप नेक्स्ट करके आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बैक का बटन दबाता हूं मैं। अब आप देखिए, यहां पर राइट साइड नीचे कॉर्नर पे टेक अ टेस्ट लिखा हुआ है, तो आप टेस्ट दिला दीजिए। इसके बाद ऐड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, स्कीप कर दीजिए। देखिए, अब यहां पे सेट 1, 2, 3 तीन सेट आपको मिल रहे हैं। सेट 1 पे चलिए क्लिक करते हैं। हाँ, अब पहली बार चूंकि डाउनलोड किए हो, तो ये आपको एक बार लॉग इन होने के लिए या साइन अप होने के लिए बोलेगा। तो चाहो तो आप फेसबुक से आप कर सकते हो, और अदरवाइज आप सिंपल अपना नाम, जैसे मैं डाल देता हूँ देव, और कोचिंग का नंबर मैं डाल देता हूँ 9755530555, और मेल आईडी मैं डाल देता हूँ देव स्पोकन। आप भी उसी तरह से एक बार साइन अप कर लेना, बार बार आपको तकलीफ नहीं देगा। ये मैं साइन अप का बटन दबा दिया, मैं साइन अप हो गया। नाम डाल देना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, What dash dash they talk dash dash about? तो चूंकि present indefinite पढ़ रहे हो, तो what के बाद आपका देखिए interrogative sentence है, last में question mark भी है, तो do या does का प्रयोग होगा, तो they के साथ क्या लगता है, do, ठीक, और talk verb है, तो यहाँ पर हम verb use करेंगे, तो they के साथ भी talk ही लगेगा। तो कौन सा option है, तो first option तो हो नहीं सकता, second भी नहीं हो सकता, third option है। तो आपने third को click किया, तो देखिए green हो गया, मतलब आपने सही बनाया। नेक्स्ट का बटन दबाए, माय फादर ईट डैश डैश हॉट डॉग, तो मेरे पिताजी हॉट डॉग खाते हैं, तो ईट का क्या होना चाहिए, ईट्स हो जाएगा, क्योंकि माय फादर को नाउन सिंगुलर की तरह हम ट्रीट करते हैं, तो ईट्स किस में है, चौथे ऑप्शन पे देखिए, ईट्स। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस बनाते चले जाएंगे। मैं रैंडमली कुछ भी क्लिक कर दे रहा हूं, देखते हैं लास्ट में क्या होता है।
और ये रेंडमली मैंने कुछ भी क्लिक किया, बहुत सारे गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश का बटन आ गया। देखिए टोटल मार्क्स क्या है, कितना है 10 और योर मार्क्स 2, मतलब मेरे 10 में से 2 ही सही हुए। अब आप देखिए कि पहले क्वेश्चन का क्या हुआ था, तो योर आंसर डू टॉक, राइट आंसर है डू टॉक, मतलब ये सही बना है। सेकेंड भी सही बना है। देखिए थर्ड में आप देखिए हमारा आंसर गलत हुआ है, तो यहाँ पर आपको बता दे रहा है कि सही और गलत क्या है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बैक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए टेंस में आपको पूरे टेंस मिल जाएंगे। फिर और मैं बैक करता हूँ, तो आप देखिए ग्रामर का ऑप्शन है, तो हम ग्रामर में जाते हैं। बेसिक ग्रामर, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ईट, हैव, हैज, कैन, मे, शुड, ऑट टू, मे, माइट, हर ग्रामर आपको यहाँ पर मिलेगा। कोई ऐसा ग्रामर जिसको मैंने नहीं छोड़ा है। आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, जैसे ए एन द, लर्न का बटन मैंने दबाया, आर्टिकल आप पूरा पढ़ लिए। चाहे तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, तो ये वीडियो को भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, चलिए बैक करते हैं। तो ये सारा आपका ग्रामर पोर्शन भी हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन को मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए मदर एंड सन, पहला मैं क्लिक करता हूँ मदर एंड सन, लर्न का बटन दबाया मैंने, तो आप देखिए मदर एंड सन के बीच कन्वर्सेशन है। मदर एंड सन आपस में बात कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो इससे भी हम लोग अपना स्पोकन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैक का बटन दबाते हैं, तो उसी तरह से कन्वर्सेशन फॉर मैरिज, शॉपकीपर एंड कस्टमर, काफी सारे कन्वर्सेशन के भी आपके टॉपिक इसके अंदर कवर है, और ये फ्री का एप्लीकेशन है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टिप्स। देखिए बीच बीच में हो सकता है ऐड आए दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको आप बैक कर दें, मजबूरी हम लोग को विज्ञापन करवाना पड़ता, बहुत महंगा ऐप है ये। अब वोकैबुलरी कैसे याद करें, इंग्लिश क्यों सीखे, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, स्पेलिंग मिस्टेक कैसे सुधारो, राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो चलिए राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं इसमें हम क्लिक करते हैं। लर्न का हमने बटन दबा दिया, तो ये देखिए कट, तो ये देखिए क्वेश्चंस है और इसके हम सॉल्यूशंस यहां पर डाल के रखे हुए हैं। तो आपसे रिलेटेड कोई भी आपका कोई समस्या है और ये आपको यहां पर मिल जाएगा। बहुत सारे दिए हैं, ग्रामर और वोकैबुलरी भूल जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोचिंग कैसे खोलूं, बोलते बोलते अटक जाते हैं, लर्निंग पिरामिड क्या है, अपनी सोच कैसे बदले, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे इसमें मैंने क्वेश्चंस लेके रखे हुए जो अक्सर बच्चे क्लास में मुझसे पूछते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राइटिंग का। चलिए तो राइटिंग में हम क्लिक कर दिए, राइटिंग में जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए बिजनेस लेटर फॉर्मेट है, फ्रेंडली लेटर है, ठीक है। तो जैसे बिजनेस लेटर आपको लिखना है तो ये इसमें दिया हुआ है, और ये देखिए सारा कुछ मैंने इसमें समझाया है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आपका वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी भी देख लेते हैं। तो वोकैबुलरी में जैसे नेम ऑफ एनिमल्स है, नेम ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, फ्रूट, बॉडी पार्ट्स, ड्रेस, ये सारे जो बेसिक वोकैबुलरी है ये आपको मिल जाएगा। नेम ऑफ स्लैंग्स अगर देखना चाहते हैं कि क्या क्या है, नेम ऑफ स्लैंग्स, लर्न पे हम गए और ये देखिए ये सारे स्लैंग्स वगैरह जो है आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ठीक, वर्ड लिस्ट दोस्तों आपने देखा है कि मैंने वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, और ये देखिए सारा वर्ड लिस्ट इसमें है। तो जो वर्ड लिस्ट नंबर 1 मैंने YouTube में डाल के रखा हुआ है, आप चाहो तो उसको टेक्स्ट से भी याद कर सकते हैं, जैसे किंडल जलना एग्जाम्पल के साथ है, वेपन हथियार है, इस तरह से है। ठीक है, और इसका वीडियो अभी मैंने डाला नहीं, तो मैं डाल दूंगा, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जलना को अपन क्या बोलते हैं, किंडल, तो देखिए आ गया, हथियार को हम बोलते हैं वेपन। ठीक, तो इस तरह से आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर्दा घूंघट वेल कहलाता है। फिर टेक अ टेस्ट आप दिला सकते हो, इसमें सेट 1 पे चले गए, तो जलना को क्या बोलते हैं, किंडल, हथियार को क्या बोलते हैं, वेपन, पर्दा या घूंघट को देखिए वेल, शोक गीत डर्ज। तो दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, पहले यूट्यूब का वीडियो देखें, उसके बाद हम चाहे तो इसमें प्रैक्टिस और टेस्ट दिला सकते हैं, तो ये भी बहुत मजेदार है, जिससे आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा होगा। चलिए बैक करते हैं, तो बैक करने के बाद अब वापस हम आ जाते हैं। हाँ, पर्सनालिटी, बहुत बढ़िया ये सेक्शन है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में देखिए बॉडी लैंग्वेज है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, कम्युनिकेशन स्किल है। चलिए कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानते हैं, तो देखिए काफ़ी सारे मैंने चीज़ें इसमें डाल के रखा है, कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के तरीके, स्टेज का डर कैसे हटाएं, लवली लिसनर, और काफ़ी सारे इसमें कंटेंट है, कैसे खुश रहें अगर मुझे पढ़ना चाहता हूं, तो इसमें देखिए मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो छोटे छोटे बहुत सारे सेक्शंस मैंने उठाए हैं, क्या है खुश रहने का राज, तो ये कम्युनिकेशन स्किल में आ गया।
फिर टाइम मैनेजमेंट लिया हूँ, गुड पेरेंटिंग है, सक्सेस है, माइंड एंड मेमोरी है, लाइफ कोच है, तो लाइफ कोच को मैं क्लिक करता हूँ। इसमें भी देखिए आपको काफ़ी सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, तो ये भी आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है टाइम पास के लिए, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, घर पे लाइट गोल है, बोर हो रहे हो, बहुत बढ़िया आप इसमें टाइम पास कीजिए, ठीक है। फिर आपका देखिए ग्रुप डिस्कशंस है इसके अंदर, अगर आप ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मॉडल ग्रुप डिस्कशंस आपको मिल जाएगा। और इसमें करीब करीब देखिए लव मैरिज, अरेंज मैरिज, प्राइवेट, गवर्नमेंट जॉब, हुज आर द पेरेंट मोस्ट, डॉटर एंड सन्स, मूवीज आर हार्मिंग अवर सोसाइटी। तो चलो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए इसमें पूरे कंटेंट आपको मिल जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने क्रिएट किए हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, जीडी टिप्स, काफ़ी सारे इसके अंदर मैंने चीज़ों को डाल के रखा हुआ है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इंटरव्यूज़, तो ये भी एक अच्छा सेक्शन है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, व्हाट इज एन इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस एंड आंसर मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप इसको पढ़ेंगे। ओवरऑल एक एप्लीकेशन में मैंने सारा कुछ डाल दिया है, और आपको दो चार अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत चीज और है। पैरा जंबल अगर आप देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं क्लिक करता हूँ, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एस ए एस, फिर ऑब्जेक्ट। चेक कर लेते हैं, तो देखिए राइट आंसर नेक्स्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। अब मान लो मैं जानबूझ के गलत कर देता हूँ, सब्जेक्ट के बाद मैं ले लेता हूँ नॉट, फिर डू या डज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये गलत स्ट्रक्चर मैंने टाइप किया, चेक करता हूँ, रॉन्ग आंसर है ना, तो रीट्राई करने बोल रहा है, तो रीट्राई करिए, वापस लाइए सबको, ठीक है, क्लिक करते जाइए। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर सॉरी नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब चेक करते हैं, अब देखिए राइट हो गया। तो इस तरह से आप पैरा जंबल सेंटेंसेस बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, और ये कुछ ग्रामर का दिया हुआ है। चलिए बैक करते हैं, न्यू लेसन्स में हम चलते हैं, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूं। न्यू लेसन्स में देखते हैं कि क्या क्या आपको मिल रहा है। लर्न वोकैबुलरी विद स्टोरी, ठीक है, चार मित्र और शिकारी, तो इसमें क्या होगा, आप एक स्टोरी आपको मिलेगा। अब देखिए जंगल में हिरन, ब्रैकेट में डियर, कौवा, क्रो, कछुआ, टर्टल और चूहे, रेड की गाड़ी मित्रता थी। तो इस तरह से आप पढ़ते चले जाएंगे, तो जो जो हार्ड वर्ड है ना उसको मैं ब्रैकेट में उसको लिख दिया ताकि तकलीफ ना जाए। फिर इसका चाहे तो आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि एक बहुत शानदार एप्लीकेशन है ये, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ गायब है, आप मुझे मेल कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, 9755530555, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर ये चीज़ें हमको एप्लीकेशन में चाहिए। विद इन 24 आवर्स मैं इसको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इसका पैनल मेरे हाथ में है, मुझे और डेवलपर बैंगलोर फ़ोन नहीं करना पड़ता, पैनल मेरे हाथ में, मेरे को बिल्कुल दो से पाँच मिनट में मैं कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ। तो अगर आप बोलेंगे तो वो चीज़ मैं तुरंत डाल दूंगा। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें नेट की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक। और सबसे अच्छी बात है एप्पल यूजर्स, अगर आपके पास एप्पल है तो देखिए आप अपने स्टोर में जाते हो तो आपको एप्लीकेशन ना के बराबर है। ये चीज़ मैंने आईफोन के लिए भी बना के रखा, और एक्चुअली मैं आईफोन के लिए टारगेट रखा था, क्योंकि मैं खुद आईफोन यूज़ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर तो कोई ढंग के एप्लीकेशन है ही नहीं, तो मैं आईफोन के लिए बना रहा था। फिर डेवलपर बोला कि सर एक ही तीर से दो शिकार कर सकते हैं, यही चीज़ को अपन एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं, पैनल से बस आप करना है। तो आईफोन वाले प्लीज़ इसको डाउनलोड करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर करें जिनके पास आईफोन है। तो एक बहुत अच्छा शानदार एप्लीकेशन बनाया। तो दोस्तों अगर कोई दूर दराज इलाके में रहता है और उसके यहाँ नेट की तकलीफ है, तो मेरे पास एक और एप्लीकेशन है, वो ऑफलाइन है, उसको आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए, फिर नेट की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। इंग्लिश सीखे के नाम से ये एप्लीकेशन है, और ये 2015 में मैंने बनाया था, बहुत पॉपुलर है, करीब करीब
9,90,000 डाउनलोड है, ये 10,00,000 होने वाला है। ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, वो भी उसके लिए नेट की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा कंटेंट कम है, बट चलेगा, उसमें भी आप बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बताना है। दोस्तों इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आप मुझे थोड़ा भी चाहते हैं, मुझे भी पसंद करते हैं आप, मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, लगता है कि सर हमारे लिए कुछ अच्छा कर पा रहा है, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि ये केवल 10,000 अभी तक डाउनलोड हुआ है यार, बहुत कम डाउनलोड है। और इतना अच्छा एप्लीकेशन मैंने बनाया, बहुत मेहनत किया मैंने इसमें, एक एक सेंटेंस मैंने टाइप किया है, इतना मेहनत मैंने किया है, रात रात भर बैठ के मैंने पैनल पे बैठ के इसमें टेक्स्ट डाला, एग्जांपल्स डाले, टेस्ट बनाए, मैंने बहुत मेहनत किया है, बट डाउनलोड बहुत कम है, मात्र 10,000 डाउनलोड है, तो थोड़ा सा खलता है हम लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ पकड़ के ये डाउनलोड करवाइए, कितना अच्छा एप्लीकेशन है, फ्री का है, आप चलाइए। और कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि इसमें ऐड होना चाहिए, आप मुझे एक SMS कर दीजिए, WhatsApp कर दीजिए, मेल कर दीजिए, मैं आपको 24 घंटे में उस चीज़ को अपलोड करा दूंगा। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, कहीं पर भी किसी भी स्थान कोई भी आराम से अंग्रेजी सीख सकता है, आपको ये फ़ायदा दिलाएगा। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हो सके तो रिव्यूज़ भी डाल दीजिए, ताकि नए जो यूज़र्स होंगे उसके लिए आइडिया लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।